बहराइच जलभराव का दंश झेल रहे स्थानीय लोगों ने कर दी सड़क पर धान बुलाई। बहराइच में जलभराव का दंश झेल रहे स्थानीय जनता ने बुधवार को सड़क पर ही धान बुआई कर डाली। नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहे जनता जलभराव की समस्या को लेकर परेशान है। आपको बता दें कि बहराइच जिले के अस्पताल चौराहे से घंटा घर जाने वाली रोड पर हमेशा जलभराव रहता है, जिसका कारण जल निकासी की व्यवस्था न होना है। स्थानीय दुकानदार व लोगों के लाख शिकायतों के बावजूद भी जिम्मेदार मौन बैठे हुए हैं, इसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बुधवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर ही धान बुआई कर डाली। मामला बढ़ता हुआ देख मौके पर पहुंचे सफाई इंस्पेक्टर सुरेश गोविंद ने लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर सफाई होने का आश्वासन दिया और समस्या से निजात दिलाए जाने की भी बात कही। देखना होगा कि जिम्मेदार इस समस्या पर किस तरह का कदम उठाते हैं। यह तस्वीर जस की तस बनी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब्दुल शाहिद की रिपोर्ट। जो आप समस्या को नोट कर रहे हैं, जो उसको आप बता भी सकते होगा कुछ। एक दो दिन लगेंगे। कितने दिन लग जाएंगे? एक दो दिन लगेंगे। भाई साहब, भाई पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा यानी समाज सेवक हूँ। विगत कई दिनों से अस्पताल चौराहा से घंटा घर के बीच में जल भराव की स्थिति बहुत बुरी तरह से उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनमानस का जीना दुर्लभ हो गया है। और इसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद बहराइच की बनती है। नगर पालिका परिषद बहराइच में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण सिर्फ कागजों में सफाई होती है, सफाई जमीन पर होती नहीं है, जिससे आए दिन हर मोहल्ले में बहराइच शहर के हर मोहल्ले में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक घंटा पानी भर जाए पूरा शहर तालाब बन जाता है। रुपाई एक विरोध का स्वरूप दिया गया है कि इस रुपाई से ये है कि जब हमको चलने के लिए सड़क नहीं मिलेगी, आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तो उसको फायदा है कि उसको खेती के लिए यूज किया जाए। ये एक विरोध प्रदर्शन का स्वरूप। सफाई इंस्पेक्टर आए तो उन्होंने 2-3 दिन का समय लिया है, 2-3 में जो नहीं करते हैं फिर आगे इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शहर साफ हो जाए, नालियाँ साफ रहें, सड़कें सुरक्षित रहें, नालियों की वजह से सड़कें बर्बाद हो रही हैं, हमारे विधायक का काम बर्बाद हो रहा है उसकी वजह से। काम लगा हुआ है, अगर काम न लगा हो तो आगे जाओ, फोटो दिखाओ, काम लगा हुआ।